हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अंकित चमोली। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सीरीज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज से। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ जनवरी मंथ को, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट में, इसमें हम क्या क्या जानेंगे। सीरीज़ ऑफ इम्पॉर्टेंट डेज में हम बेसिकली एक मंथ को लेंगे और उस मंथ में जितने भी इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे, जानेंगे कि वो क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं, कब सेलिब्रेट किया जाता है, उनके पीछे की थीम क्या है। देखिए, थीम जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि थीम अक्सर पूछी जाती है। थीम जो है, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट्स आस्क्ड लॉट ऑफ टाइम्स, सो वी हैव टू लर्न द थीम। और ज़रूरी नहीं है कि सब में थीम ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट हो, बट देखिए, आपको बेसिकली इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी जो उस मंथ के जो इम्पॉर्टेंट डेज हैं उनके बारे में। बट देखिए, नॉलेज का कोई लिमिट नहीं है, आप उसमें आगे बढ़ते रह सकते हैं, उस डे के बारे में और जान सकते हैं, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे कि इम्पॉर्टेंट डेज में बेसिकली एक वर्ड जो टर्मिनोलॉजी है वो बहुत बार हम कन्फ्यूज करते हैं और गलत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूँगा, दो क्वेश्चन पूछता हूँ। वर्ल्ड एड्स डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड एड्स डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो जाते हैं क्योंकि इनमें वर्ड्स सेलिब्रेटेड और ऑब्जर्व्ड यूज़ कर रहा हूँ। सो आपको देखना पड़ेगा कि ऑब सेलिब्रेटेड एंड ऑब्जर्व्ड में क्या अंतर हुआ। देखिए, सेलिब्रेशन खुशियाँ मनाना हो जाता है, एंड ऑब्जर्व जो वर्ड है वो बेसिकली एक चीज़ को देखने के लिए हो रहा है, उसके बारे में जानने, उसके बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए हो रहा है। तो हमें अपनी वोकैबुलरी को इस चीज़ में देखना पड़ेगा कि हम ऑब्जर्वेशन, जहाँ पर वर्ड ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत हो वहाँ ऑब्जर्वेशन यूज़ करें, और जहाँ सेलिब्रेशन की ज़रूरत हो वहाँ सेलिब्रेशन यूज़ करें। इसीलिए मैं चाहूँगा कि आप लोग जब भी इन वर्ड्स को यूज़ करें तो थोड़ा सा एक बार सोचिए कि इज़ दैट डे सेलिब्रेटेड और इज़ दैट डे ऑब्जर्व्ड, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने डेज। फर्स्ट जनवरी को, फर्स्ट जनवरी को जो सेलिब्रेट किया जाता है वो है आर्मी मेडिकल कॉर्प्स एस्टैब्लिशमेंट डे। अच्छा, आपने सबने सुना होगा, आप मुझे उसका हेडक्वार्टर बताइएगा कहाँ है, या मतलब वो कॉलेज है कहाँ। AFMC आप सबने सुना होगा, और दिस स्टैंड्स फॉर आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज। और बेसिकली चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ये है पुणे में लोकेटेड, ठीक है, पुणे में इसकी ब्रांच है, यहाँ पुणे में है ये, पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। इसका जो मोटो है वो आर्मी का जो ये मेडिकल कॉर्प्स, इसका मोटो है सर्वे संतु निरामय, दैट इज़ मे ऑल बी फ्री फ्रॉम डिजीज एंड एस्टैब्लिशमेंट। यहाँ पर इसका आप लोगो देख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। बेसिकली आपने काफ़ी सारे इंसिग्निया जो हमारे यूनिफॉर्म्स में होता है उसमें लोगों को देखा होगा जिनके इंसिग्निया पर लिखा होता है AMC, तो दैट स्टैंड फॉर दिस आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। आगे बढ़ते हैं, 4th of January, 4th of January को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे, ठीक है। ब्रेल क्या है? ब्रेल बेसिकली एक लिपि है, ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ स्क्रिप्ट। और ये स्क्रिप्ट किन लोगों के लिए यूज़ होती है? जो ब्लाइंड होते हैं। इसका श्रेय जो जिनको जाता है वो है लुइस ब्रेल या लुई ब्रेल। ही इज़ द इन्वेंटर ऑफ द ब्रेल रीडिंग एंड राइटिंग सिस्टम नोन टुडे सिंपली एज ब्रेल, ठीक है। इनके सरनेम के नाम पे ये बेसिकली स्क्रिप्ट को या इस सिस्टम को लिखा जाता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, पेपर होता है, जो हम जो नॉर्मल बुक्स होती है, नोटबुक्स होती है, उनमें पेपर होता है और प्रिंटेड कैरेक्टर्स होते हैं, बट इसमें भी कैरेक्टर्स प्रिंटेड होंगे, बट एक टेक्सचर, एक बेसिकली डिप्रेशन या एक पेपर पे उसको क्या करा है, उभारा जाएगा, यू नो, एनग्रेव्ड एक शब्द सही होगा इसके लिए, एनग्रेव्ड किया जाएगा। आप देखेंगे 4th of January को इसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे एज पर UNGA। अब देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी हम वर्ल्ड डेज डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारे डेज जो होते हैं इंटरनेशनली स्पेशली, वो UNGA द्वारा एक रेजोल्यूशन के द्वारा पास किए जाते हैं और फिर सेलिब्रेट करे जाते हैं। अब आप देखेंगे कि ये जो है November 2018 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, मतलब इसका रेजोल्यूशन पास हुआ था November 2018 में, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये लेटेस्ट ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वर्ल्ड ब्रेल डे। आगे बढ़ते हैं और अब हम देखते हैं नेक्स्ट, 6th of January, तो वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे। द टाइम द डे एम्स टू एड्रेस द वर्ल्ड ऑफ वॉर ऑर्फन्स एज इट हैज़ बिकम अ ग्रोइंग वर्ल्ड वाइड ह्यूमैनिटेरियन सोशल क्राइसिस एंड इंश्योर्स टू वॉइस आउट द प्रीडिकमेंट ऑफ वॉर ऑर्फन्स। बेसिकली वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स, ऑर्फन्स डे,
ऑर्फन क्या होता है, ऑर्फन कौन होता है, ऑर्फन माने अनाथ, ठीक है। ऑर्फन जो शब्द है उसको वर्ल्ड वॉर से जोड़ा जा रहा है। देखिए एक वॉर जो होती है बहुत सारी सफरिंग लाती है, बहुत एक साइड एक चीज़ होती है कि लोग वॉर के नाम से बहुत जोश फील करते हैं, सोचते हैं कि वॉर से सब कुछ ठीक हो जाएगा, बट नहीं, वॉर से कुछ ठीक नहीं होता है, ठीक है। वर्ल्ड वॉर अगर आप देखोगे तो इतनी सफरिंग, इतनी ह्यूमैनिटी के लिए सफरिंग हुई कि बेसिकली लास्ट में तो सब ने एक कॉन्फ्रेंस में या एक एक मीटिंग से ही सब कुछ सुलझाने की कोशिश करी। तो इट्स बेटर कि हम वॉर्स को इतना ज़्यादा एग्जैजरेट ना करा करें, क्योंकि बहुत सारी सफरिंग होती है। एक वॉर में केवल एक सोल्जर ही नहीं लड़ता है, उसकी फैमिली हो गई, उसके आसपास वाले लोग हो गए, उसका पूरा देश लड़ता है, और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माँ बाप होते हैं और वो फिर माँ बाप तो वापस कभी नहीं आ पाते और वो अनाथ हो जाते हैं। तो इसी दिन को देखते हुए वर्ल्ड वॉर ऑर्फन्स डे ऑब्जर्व किया जाता है 6 जनवरी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे 9 जनवरी। 9 जनवरी को जो सेलिब्रेट किया जाता है वो है प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस से सेलिब्रेटेड और 9 जनवरी बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी रिटर्न करे थे कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका में उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, और इंडियन डायस्पोरा, ये वर्ड आपको ध्यान रखना पड़ेगा, डायस्पोरा क्या होता है, बेसिकली जो बाहर में, इंडियन डायस्पोरा हम बोलेंगे, बेसिकली भारतीय लोग जो विदेश में रहते हैं, डायस्पोरा, इंडियन डायस्पोरा। लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब गए थे यूएसए बीच में, तो वो जब वहाँ इंडियन लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तो वील यूज़ द वर्ड डायस्पोरा, ही इंटरेक्टेड विद द इंडियन डायस्पोरा। ऐसे ही NRI भी वर्ड यूज़ करा जाता है। तो बेसिकली जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो उन लोगों के लिए है, और उन लोगों के अचीवमेंट को सेलिब्रेट किया जाता है, इस दिन अवार्ड्स वगैरह भी हेल्ड किए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखेंगे, देखिए ये वाला जो प्रवासी भारतीय दिवस था 16th डे था, ठीक है, ये 16वीं बार इसको सेलिब्रेट किया गया। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये 2003 से सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 2003 से इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, ठीक है। इसकी जो सिफारिश, या मतलब ये बेसिकली जो ये डे है किसके रिकमेंडेशन से सेलिब्रेट किया जाता है, तो इनका नाम ज़रूर याद रखिएगा, LM सिंघवी साहब के नाम से इसको सेलिब्रेट किया जाता है, या मतलब उनके बेसिकली उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था और तब से ये डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं 10th जनवरी का। 10th जनवरी, जो 10th जनवरी है वो वर्ल्ड हिंदी डे के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। 10th जनवरी मेक्स द फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस इस दिन हेल्ड हुई थी 1975 में बाय देन PM इंदिरा गांधी जी। फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हिंदी डे कब से सेलिब्रेट किया जाने लगा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फर्स्ट टाइम, पहली बार, देखिए पहली बार मैंने क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, बहुत सारे डेज में पहली बार, क्योंकि पहली बार कोई चीज़ होती है तो उसकी एक अलग ही अहमियत होती है। तो दैट्स वाई 10th जनवरी 2006 से इसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे को। अब आप इससे एक चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, वो है नेशनल हिंदी दिवस, ठीक है। कोई मुझे बता सकता है कि नेशनल हिंदी दिवस किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका आंसर है 14th of September, 14 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड हिंदी दिवस, या सॉरी नेशनल हिंदी दिवस, राष्ट्रीय, ठीक है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया जाता है 14 सितंबर को। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड लाफ्टर डे। अब ये मैंने क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि शायद बहुत सारे लोगों को लगेगा कि ऐसा भी दिन होता है, तो इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया वर्ल्ड लाफ्टर डे के बारे में। अच्छा, एक चीज़ जो ये ज़रूरी हो जाता है, ये डे इंपॉर्टेंट क्यों है, एक तो जो पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था वो 10 जनवरी 1998 को सेलिब्रेट किया गया था, एंड वाज अरेंज्ड बाय डॉक्टर मदन कटारिया, फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड वाइड लाफ्टर योगा मूवमेंट, ठीक है। अब बड़ा आप इसको देखोगे, देखो पहली बार तो इसको 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया, तो इसीलिए मैंने इसको जनवरी मंथ में डिस्कस किया, बट इसको जो सेलिब्रेट किया जाता है, यहाँ पर ये थोड़ा सा कट गया है, यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट लिखा हुआ है, फर्स्ट संडे ऑफ मे ऑफ एवरी ईयर, फर्स्ट संडे, ठीक है, पहला संडे, जो भी मे मंथ में पहला संडे आएगा उस दिन इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है।
तो इसलिए ये डे इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और बेसिकली इंडियन के द्वारा इसको शुरू किया गया तो इसलिए और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है 12 जनवरी को। 12 जनवरी को जो सेलिब्रेट किया जाता है वो होता है नेशनल यूथ डे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्वामी विवेकानंद जी से रिलेटेड है। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इनका एक बहुत फेमस कोट है, बेसिकली अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज़ रीच्ड। हर एक विद्यार्थी के लिए स्वामी विवेकानंद जी एक इंस्पिरेशन है, और हमें इनसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है और सीखना भी चाहिए इनसे। ठीक है, तो नेशनल यूथ डे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये होता है 12 जनवरी को सेलिब्रेट। नेक्स्ट जो है वो है हमारा नेशनल आर्मी डे। नेशनल आर्मी डे होता है 15 जनवरी को सेलिब्रेट। 15 जनवरी को नेशनल आर्मी डे सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली 15 जनवरी 1949 में क्या हुआ था, के एम करियप्पा एक और चीज़ के लिए फेमस है, ये पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको फील्ड मार्शल का टैग मिला हुआ है। टैग नहीं बोलना चाहिए, या फील्ड मार्शल का ओहदा या फील्ड मार्शल का टाइटल इनको दिया जा चुका है। केवल 2 लोगों को दिया हुआ है, एक के एम करियप्पा साहब हैं और दूसरे कौन हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख के नीचे बताएं। ठीक है, तो इस दिन क्या हुआ था, इन्होंने ही टुक ओवर एज द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी, एंड किन से इन्होंने लिया था, जनरल सर फ्रांसिस बुचर। अब बेसिकली मैंने जब ये नाम देखा बुचर, तो मुझे बेसिकली एक बुचर का ही ध्यान आया, तो मैंने इनका नाम चेक किया एंड स्पेलिंग भी चेक करी, तो इट्स बेसिकली बुचर। और आप बेसिकली याद रख सकते हैं बुचर से कसाई। अब प्लीज़ नथिंग टू ऑफेंड समबडी, बट बेसिकली जिस तरीके से याद हो जाए सो इट्स बेटर। तो इन्होंने मिस्टर बुचर से 15 जनवरी को अपने हाथों में कमान संभाल ली थी, के एम करियप्पा साहब। ठीक है, फील्ड मार्शल। नेक्स्ट हम देखते हैं 19th of January, इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है हमारा नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन से रिलेटेड हो गया है। और इस दिन बेसिकली क्या हुआ था, जब पल्स पोलियो प्रोग्राम, पोलियो ड्रॉप्स 2 बूंद जिंदगी की सबने पी होगी और सुना भी होगा इसके बारे में, तो ये प्रोग्राम बेसिकली इसी को, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे इसी को सेलिब्रेट करता है, पल्स पोलियो प्रोग्राम को, जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 19th of January को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 23rd January बहुत 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 इंपॉर्टेंट है आजकल के लिए, क्योंकि बर्थडे ऑफ सुभाष चंद्र बोस इस दिन है। 23rd of January 1897 को सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। और बेसिकली आज से पिछले वर्ष 2019 में, कौन से वर्ष में, 2019 में भारत सरकार ने एक नया पुरस्कार स्थापित किया है, जो कि है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020। अब मैं 2020 की बात कर रहा हूँ, आपने कमेंट बॉक्स में नीचे बताने कि 2019 का जो ये पुरस्कार है वो किसको मिला था। ठीक है, तो बेसिकली 2020 का जो पुरस्कार है वो दिया गया है उत्तराखंड डिज़ास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर को, UDMMC, इन कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी। अब देखिए 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल कैटेगरी में दिया जाता है और एक इंडिविजुअल कैटेगरी में दिया जाता है। कुमार जो दूसरे हैं इंडिविजुअल कैटेगरी में, उसमें मिला है कुमार मुन्ना सिंह जी को। अब बेसिकली ये NDRF से रिलेटेड हैं, और आप पिछले वर्ष का देखेंगे तो पिछले वर्ष मैं आपको बता देता हूँ, NDRF जो होता है हमारा नेशनल डिज़ास्टर रिलीफ फोर्स, उसको उससे ये रिलेटेड है कुमार मुन्ना सिंह जी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। नेक्स्ट जो डे है वो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ये भी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि गर्ल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जाते हैं, और नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, 24 जनवरी को। कौन से दिन को, 24 जनवरी को। अच्छा, मैंने इसमें लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री हो गई है, MOWCD, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, चलिए आंसर वैसे ही हो गया कि बोल दिया मैंने, तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट किसके अंडर है आजकल, तो बेसिकली वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है ये श्रीमती स्मृति ईरानी के अंडर है, और बेसिकली वो इसका कार्यभार संभाल रही हैं। नेक्स्ट जो 24 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है वो है इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब ये देखिए, ये बहुत बारीक चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और देखिए
जो भी मैं इसको देखिए, इसको याद करने का ऐसा कोई सच तरीका नहीं है, बट आप जितनी बार इसको रिवाइज़ करेंगे आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा कि इस दिन ये डे है, इस दिन ये डे है। और देखिए, जब आपको एक डे पता चल जाएगा ना, तो आप उसमें फिर और चीज़ें ऐड करते रहेंगे। अच्छा ये है, कोई आंसर राइटिंग कर रहे हैं आप किसी चीज़ में, आप राइट कर सकते हैं कि अच्छा इस दिन को ये सेलिब्रेट किया जाता है हमारे देश में, ये ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनली, ये डे डे होता है उस दिन, तो इट जस्ट गिव्स अ बेटर इंप्रेशन। तो इसलिए एक चीज़ और है, तो ये देखिए, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे और इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन ठीक है, एजुकेशन भी उस दिन किया जाता है ऑब्जर्व या सेलिब्रेट। मैंने जैसा बोला कि इंटरनेशनल ऑब्जर्वेशन और सेलिब्रेशन बहुत इंटरचेंजेबल हैं, बट कहीं कहीं जगह पे बहुत ऑड हो जाते हैं, तो इसलिए बी केयरफुल विद इट्स यूसेज। नेक्स्ट हम देखेंगे 25 जनवरी का। तो 25 जनवरी को जो होता है नेशनल वोटर्स डे, ठीक है, 25 जनवरी सिंस 2011। अच्छा, नेशनल वोटर्स डे क्यों इस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? बेसिकली इस दिन हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 25 जनवरी में, और इस बार जो सेलिब्रेट किया गया है वो 10वां सेलिब्रेट किया गया, 10वां अंक इसका सेलिब्रेट किया गया, 10th नेशनल वोटर्स डे, जिसकी थीम थी इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। इलेक्टोरल रोल आपने सुना होगा, बेसिकली इलेक्टोरल रोल किसे बोलते हैं? इलेक्टोरल रोल वो होता है जिसमें हमारे नाम और हमारा वोटर आईडी नंबर, ये सब चीज़ें लिखी होती है, एक पेपर है बेसिकली, एक डॉक्यूमेंट है जिसको हम इलेक्टोरल रोल बोलते हैं। तो इलेक्टोरल लिटरेसी, अगर लोग लिटरेट होंगे इलेक्टोरली, ठीक है, इलेक्टोरल लिटरेसी में, तो हम उसको एक स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी कहेंगे, एक अच्छी डेमोक्रेसी की निशानी होगी, इसीलिए इलेक्टोरल लिटरेसी फॉर स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जा रहा है इस डे के साथ। नेक्स्ट हम देखते हैं 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को होता है इंटरनेशनल कस्टम्स डे, इंटरनेशनल कस्टम्स डे। कस्टम्स क्या होता है? बेसिकली हम देखते हैं, देखिए एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता रहता है सामानों का, तो इंटरनेशनल कस्टम्स एक कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन भी है, इंटरनेशनल कस्टम ऑर्गेनाइजेशन भी है। और कस्टम्स बेसिकली का काम क्या है, जो ये प्रोडक्ट हो रहा है, मतलब कुछ इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, कुछ भी गुड्स एंड गुड्स बेसिकली मैं बात करूँगा, तो कुछ गुड्स जिन गुड्स का निर्यात या आयात हो रहा है, तो उसमें कस्टम्स का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कस्टम ऑफिसर्स होते हैं, बहुत बड़ा एक ये पूरी चेन ऑफ इवेंट्स है जो बेसिकली इस गुड्स को जो इम्पोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, उसकी देख रेख करती है या उसकी निगरानी करती है, ठीक है। नेक्स्ट ऑल्सो वट एल्स 26 जनवरी को क्या सेलिब्रेट किया जाता है, कमेंट बॉक्स में नीचे लिखिए, दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। नेक्स्ट 27 जनवरी इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेंबरेंस डे। सो बेसिकली इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेंबरेंस डे, इस दिन क्या हुआ था, देखिए वर्ल्ड वॉर टू, इसमें इतने सारे ज्यूज या इतने सारे लोग मारे गए थे, स्पेशली मैं ज्यूज की बात करूँगा क्योंकि उसी दिन को कमेमोरेट करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है। द रेजोल्यूशन केम आफ्टर स्पेशल सेशन हेल्ड अर्लियर दैट ईयर ऑन 24th January 2005 ड्यूरिंग यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली मार्क द 60th एनिवर्सरी ऑफ द लिबरेशन ऑफ द नाजी कंसेंट्रेशन कैंप्स एट द एंड ऑफ द होलोकास्ट। होलोकास्ट अगर आप इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे तो बहुत ही एक दर्दनाक और बेसिकली एक बहुत खौफनाक मंजर था। सो आप इस डे को कमेमोरेट किया जाता है, इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है 27 जनवरी को, इंटरनेशनल होलोकास्ट रिमेंबरेंस डे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी डे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कौन से दिन को सेलिब्रेट किया जाता है, ये ऑब्जर्व किया जाता है 28 जनवरी को, और ये ध्यान रखिएगा इंटरनेशनल 20th January को इंटरनेशनल डेटा प्रोटेक्शन एंड प्राइवेसी डे। बिग डेटा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आजकल की एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो इसलिए इस डे को, कौन सा डे ये फॉल करता है, 20th January को, और बेसिकली इस दिन बर्थ एनिवर्सरी भी है, ठीक है, ये एक और अलग से डे है, बेसिकली बर्थ एनिवर्सरी है लाला लाजपत राय जी की, और इनकी एक फेमस बुक है अनहैप्पी इंडिया 1928, काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी है, कौन सी ईयर में लिखी है, तो लाला लाजपत राय जी ने इसको लिखा है। आगे बढ़ते हैं लास्ट डे के ऊपर, आज के इस वीडियो में जो हमारा लास्ट डे है वो है 30 जनवरी। 30 जनवरी को ऑब्जर्व किया जाता है मार्टर्स डे, सर्वोदय दिन, शहीद दिवस, क्योंकि गांधी जी को इस दिन नाथुराम गोडसे द्वारा उनकी हत्या की गई थी, ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा 30 जनवरी, क्योंकि अभी हमने कौन सी भी 150वीं 150th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी
किसकी? महात्मा गांधी जी की, 2019 में, ठीक है? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2019 में हमने जब इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी थी। इस जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है वो है वर्ल्ड लेप्रोसी इराडिकेशन डे, ठीक है? लेप्रेसी बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में था, और लेप्रेसी के बारे में आपको पता होना चाहिए लेप्रेसी क्या चीज़ है। सो लेप्रेसी एक कुष्ठ रोग बोलते हैं इसको हिंदी में, और इसको इराडिकेट मतलब इसको हटाने के लिए और इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए। बेसिकली लेप्रोसी के जो मरीज़ होते हैं उनको देखा गया है, लोग बहुत धुतकारते हैं, बेसिकली सोशली आउटकास्ट करते हैं। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि क्योरेबल डिजीज़ है, और महात्मा गांधी ने इसी को प्रमोट किया। लेप्रोसी से रिलेटेड एक और फेमस पर्सनालिटी हैं जिन्होंने बहुत सारा इसके ऊपर काम किया, वो है मदर टेरेसा। तो बेसिकली वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो होता है वो भी फॉल करता है 30 जनवरी को, ठीक है? या और इट्स नियरेस्ट संडे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ध्यान रखने, कुछ कुछ डेज ऐसे होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर डे पे नहीं बट एक पर्टिकुलर डेट पे नहीं बट एक पर्टिकुलर डे के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। सो इट्स इंटरनेशनली ऑब्जर्व्ड ऑन 30 जनवरी और इट्स नियरेस्ट संडे, उसके आसपास का कोई भी संडे को इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आई होप यू वुड हैव इंजॉयड द वीडियो। प्लीज़ कमेंट बिलो एंड शेयर योर व्यूज़, एंड प्लीज़ मुझे भी मोटिवेट कीजिए, बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा तो मैं और वीडियोस लाऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।